दोस्तों सचिन तेंदुलकर के ऊपर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। सामने आई बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लेकर ऐसी बुरी खबर कि बेटी सारा तेंदुलकर भी बहा रही हैं आंसू। जी हां दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सचिन तेंदुलकर को दुनिया भर में क्रिकेट का भगवान माना जाता है। वो एक महान बल्लेबाज हैं। साल 2013 में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता आज भी बरकरार है। सचिन तेंदुलकर की तारीफ करने वाले फैंस मानते हैं कि उनके जैसा महान बल्लेबाज आज तक विश्व क्रिकेट में नहीं आया है। उनकी बल्लेबाजी के अलावा सचिन तेंदुलकर अपने बच्चों के कारण भी चर्चा में रहते हैं। उनकी बेटी सारा तेंदुलकर का नाम शुभमन गिल के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर का NCAA में चयन हो गया है। हालांकि हाल ही में पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे के बारे में बहुत बुरी खबरें सामने आई थी। आपको बता दें कि पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2023 में डेब्यू करने का मौका मिला था। उन्होंने अपने IPL 2023 की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि कुछ मुकाबलों के बाद रोहित शर्मा ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, जिससे सचिन तेंदुलकर को भी दुख हुआ था। इससे उनकी बहन भी काफी भावुक हो गई थी। अर्जुन ने अपने IPL 2023 की शुरुआत के आधार पर टीम में जगह बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ मुकाबलों के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह IPL 2023 में अर्जुन तेंदुलकर के साथ घटित हादसे की खबर काफी दुखद थी। वो मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस के दौरान कुत्ते के काटने का शिकार हुए थे। कुत्ते ने पीछे से उनके पैरों में दांत गड़ा दिए थे। इस हादसे की वजह से अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2023 में खेलने से रोका गया था। इसकी वजह से सारा तेंदुलकर भी उदास दिखी थी। अब IPL 2023 समाप्त हो चुका है तो ये खबर सार्वजनिक हुई और फैंस ने ये कहकर दुख व्यक्त किया कि पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ बुरा हुआ।